दादा सुनो ना, थोड़ा सा दे सकते हो? हाँ, ये क्या दिस फाइन या ये वाला जो एकदम स्ट्रेट आपने देखा था ना, नेक्स्ट थोड़े हल्का सा नेक्स्ट या होल्ड दूसरा वाला आज स्पेशल स्माइल पर देख के स्माइल कीजिए मो या मेरे को लाइट लेफ्ट में चाहिए, पीछे पीछे
हम लोग नॉर्मल ज़िंदगी में अपने डेली रूटीन के काम तो करते ही, बट जब भी आप किसी उस रूटीन से हट के जब कभी भी हम किसी कॉज़ के लिए किसी पर्टिकुलर कॉज़ के साथ जुड़ के काम करते हैं तो ऑब्वियसली वो एक बहुत ही अच्छा फीलिंग होती है, वो बहुत ही अच्छी, आप इमोशनली किसी चीज़ के साथ अटैच हो जाते हो और उसके लिए आप काम करते हो तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है, ऐसा लगता है कि कुछ तो कंट्रीब्यूशन हम इस यू नो इस दुनिया के लिए कुछ तो कर रहे हैं लोगों के लिए, सो इट फील्स really nice. बहुत ही ब्यूटीफुल आउटफिट हमें देखने को यहाँ पर मिल रहा है एंड कॉकटेल मिक्स. या आप अगर कुछ बता सके अपने आउटफिट के बारे में. बिकॉज विंटर्स हैं तो इसीलिए ये फर वाला जैकेट है इसके ऊपर एंड फॉर्मल है विद अ ट्विस्ट, यू नो विद अ सिंपल ट्विस्ट. अभिनव तनवर ने बहुत ही फैबुलसली इसको डिज़ाइन किया है मेरे लिए एंड ये फर थोड़ा सा विंटर का वो फील देता है, बट बाकी इसके अलावा अगर आप देखें तो प्रॉपर फॉर्मल्स हैं विद अ बो, विद अ वेरी स्टाइलिश बो. आई लाइक दिस बो दैट जो मैंने पहनी है तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे. तो मुझे ऐसा लगता है कि जो यू नो आजकल शादियां भी हो रही है, ये सब भी हो रही है, अगर लोग ऐसा कुछ पहने तो बहुत अच्छा लगेगा. बिल्कुल बिल्कुल, आपने कहा है तो लोग जरूर फॉलो करेंगे. ऑफ कोर्स हमने फोटोशूट देखा डिफरेंट डिफरेंट अंदाज में, तो बताइए कि जब फोटोशूट होता है तो फेवरेट पोज क्या होता है विनीत जी का? मेरा ज़्यादातर आई लाइक टू प्ले विद माई आईज बिकॉज फेशियल एक्सप्रेशंस अगर आपके ब्लैंक भी हो लेकिन बट इफ़ योर आईज स्पीक दैट सेज द वॉल्यूम अबाउट द पिक्चर. और मुझे ज़्यादातर बॉडी लैंग्वेज से ज़्यादा मैं नहीं खेलता इसमें, जब भी पिक्चर्स क्लिक करनी हो इट्स ऑल अबाउट फेशियल एक्सप्रेशंस एंड मोस्टली योर आईज सबसे पहले नोटिस हो जाती है किसी भी पिक्चर, कोई भी पिक्चर आप देखें तो आई लाइक टू प्ले विद द आईज. 2021 में हम सभी आ चुके हैं, सभी को इंतजार था आपके साल का, आने वाले दिनों में हमें और क्या कुछ देखने को मिलेंगे आपकी तरफ से? बहुत अच्छा प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लाइंड अप हैं, बहुत कुछ देखने को मिलेगा. अभी मैं एक वेब शो शूट करके आया हूँ विच विल बी आउट इन मार्च और अप्रैल और मे बी थोड़ा सा उससे थोड़ा एक्सटेंड हो जाएगा, बट इट्स अ गुड शो, इट्स फॉर अ वेरी बिग OTT प्लेटफॉर्म एंड अभी मैं उसके बारे में कुछ कहूँगा नहीं. बहुत अच्छे से हम लोग शूट करके आए हैं पंजाब में. उसके अलावा मोस्टली वेब पे कॉन्सनट्रेट कर रहा हूँ एंड ऑब्वियसली डेली सोप इज़ माई होम, तो जैसे भी कोई डेली सोप मुझे एक क्योंकि हमेशा मैंने मुख्तलिफ़ किस्म के किरदार करना ही पसंद किया है तो ऐसा कुछ मुझे पसंद आएगा तो मैं बहुत जल्द उसको साइन करूँगा. कुछ चीज़ें हैं पाइपलाइन में, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट. बता सकते हैं आप जो आप पंजाब में शूट करके आए लाइक रोमांटिक अंदाज में विनीत जी हमें वेब पर देखने को मिलेंगे, हॉरर होगा, थ्रिलर होगा, सी क्राइम होगा? ये जो अभी जो मैं प्रोजेक्ट शूट करके आया हूँ इट इज़ आई थिंक इस तरह का कभी ना कभी आया था किसी भी प्लेटफॉर्म या किसी भी मूवी या कहीं पर भी. ये एक बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट तरह का एक प्रोजेक्ट हम लोगों ने शूट किया है जिसमें म्यूज़िक भी है विच इज़ म्यूज़िकल ऑल्सो विच हैज़ वॉर ऑल्सो विच हैज़ लव ऑल्सो देर इज़ सस्पेंस ऑल्सो एंड सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग. बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट हम लोग शूट करके आए हैं. सो एक बार आएगा तो ऑब्वियसली उसके बाद ही कुछ हम बात करें तो बेटर रहेगा. कौन सा प्लेटफॉर्म पर ये आ जाएगी मार्च तक? इट इज़ फॉर वन ऑफ द वेरी रिनाउंड OTT प्लेटफॉर्म एंड फिंगर्स क्रॉस फॉर इट. थैंक यू सो मच. थैंक यू.